नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट हसल। दोस्तों, इंग्लैंड टीम ने भारतीय टीम को मारने की दी धमकी, तो क्या है पूरी जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच मैदान पर भिड़ंत देखने को मिली। भारत ने लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में जीत हासिल कर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है और अब तीसरा टेस्ट मुकाबला 25 अगस्त से हेडिंग्ले के मैदान पर खेला जाएगा। इसी बीच इंग्लैंड टीम के कोच क्रिस सिल्वरवुड ने मीडिया से बात करते हुए कहा है, एक जरूरी बात यह है कि हम लड़ाई से जरा भी नहीं डरते हैं। अगर वे हमें धक्का देंगे तो हम भी करारा जवाब देंगे। यह एक शानदार टेस्ट था, लेकिन हम नतीजे से निराश हैं। मैदान पर कुछ मतभेद हुए, मेरे ख्याल से यह अच्छा है। खिलाड़ी आपस में भिड़े और मैंने इसका लुत्फ उठाया। मैच के चौथे दिन जसप्रीत बुमराह ने जेम्स एंडरसन को बाउंसर फेंक गेंद फेंकी थी, लेकिन यह एंडरसन को पसंद नहीं आई और वापस लौटते वक्त उन्होंने बुमराह से कुछ कहा था। इसी के बाद से विवाद शुरू हुआ। दोस्तों, आपको बता दें, साथ ही कप्तान विराट कोहली ने भी इसका जवाब दे दिया है। अंतिम दिन जब मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी कर रहे थे, तब पूरी इंग्लिश टीम बुरी तरीके से बुमराह पर हमले कर रही थी। क्रिस सिल्वरवुड ने कहा कि हम अगर दोबारा इस स्थिति में पहुंचते हैं तो हमें प्लान की जरूरत होगी। मुझे आक्रामक रूप से एतराज नहीं है, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, हम केवल जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपको भारत को श्रेय देना होगा, लेकिन साथ ही हमें अपनी रणनीति पर फिर से ध्यान देने की जरूरत है। मैच खत्म होने के बाद टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल ने भी कहा था कि अगर आप हमारे एक खिलाड़ी पर हमला करेंगे तो हम 11 मिलकर आपको इसका जवाब देंगे। तो दोस्तों, इंग्लैंड के कोच द्वारा कहे गए इस बयान पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।